हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मजा आकर पढ़ाई करोगे। आज मैं आपको सिखाता हूँ एक और कैप करिकल समराइज करना, मात्र 3 स्टेप में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, ये इक्वेशन देखिए, इसको मैंने डिवाइड किया LHS एंड RHS में। देन BA इज 1, देन ऑक्सीजन इज 2 प्लस 3, टोटल इज 5। देन हाइड्रोजन इज 2 प्लस 1 इज टोटल 3। देन नाइट्रोजन इज 1। क्लियर? यही काम आपको स्टार्ट भी करना है। BA इज 1, देन ऑक्सीजन 3 मल्टीप्लाई 2 इज 6 प्लस का 1 टोटल इज 7। देन हाइड्रोजन 2, देन नाइट्रोजन इज 2। क्लियर? इतना काम आपको करना होता है पहले स्टेप में। अब आते सेकंड स्टेप आती है, यहाँ पर मैं पता लगाऊंगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है या नहीं बैलेंस। आइए चेक करते हैं। BA 117, ऑप्शन 5, 7 डिफरेंस, हाइड्रोजन 3 2 डिफरेंट, नाइट्रोजन 1 एंड 2 डिफरेंट। तो आप देख सकते हैं नंबर मैच नहीं कर रहे दोनों साइड की, मीन से हुआ केमिकल इक्वेशन बैलेंस ही नहीं। अब आते स्टेप नंबर 3 आते हैं, यहाँ पर मैं छोटे से ट्रिक यूज करूँगा जिससे क्या होगा, कुछ ही सेकंड में रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। आइए बैलेंस करते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे टोटल दे रखा होल ट्वाइस, 2 कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए सब में। नाइट्रोजन सबसे पहले किया मैंने 2 बैलेंस, 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में तो वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, यहाँ 4 आ गया। 2 का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, 3 मल्टीप्लाई 2 6, वैल्यू क्या होगी, चेंज होकर 8 आ गई। क्लियर हो गया? अब इस साइड की वैल्यू चेंज हुई है, इस साइड भी बैलेंस करने में क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई कीजिए हाइड्रोजन में, 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया, 4 और 4 सेम हो गया। 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 आएगा क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, डिट चेंज हो गया, 8 और 8 हो गए। वेरियम 1 सेम, बाकी देखिए सारे नंबर मैच कर रहे हैं, मीन से हुआ केमिकल इक्वेशन पूरी तरह से बैलेंस है। यहाँ पर मैंने आपको सिखाया बहुत आसान तरीका। अगर आप भी चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल जरूर पुश कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।